आज हम एक फिर से टैग बनाएंगे। जिसका साइज हम एमएम में लेंगे। एमएम में लेने के बाद इसमें 80-150 करेंगे हम इसका साइज। कोने हल्का सा गोल करेंगे इसका, F10 करेंगे प्रेस। यहाँ से जितना एमएम आपको गोला कम करना है उतना, मेरे को 5 mm गोला कम करना है तो यहाँ से 5 ये हो गया गोला कम। और हॉल देना है इसमें, इसमें मैं दूंगा 8 mm का हॉल, 8 × 8। और शिफ्ट के साथ इस पर प्रेस करेंगे C और T। यहाँ से हमें जितना एमएम नीचे लेना है, मेरे को इसमें 10 mm नीचे लेना है, 10 mm यहाँ पर प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे यूँ। और मेरे को इसमें कलर देना है तो मैं एक और डब्बे लूँगा, प्लस का क्लिक करूँगा, इसको मैं हटा दूँगा इसको यहाँ से F10 करके। और इस डब्बे को मैं यहाँ से छोटा कर लूँगा, यहाँ से छोटा करने के बाद इसको एक और मुझे डब्बी लेना पड़ेगा इसका, टी करने के बाद मुझे एक छोटा सा करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा इसको। और एक और इसको मुझे कंट्रोल क्यू करूँगा मैं, कंट्रोल क्यू F10। और मुझे इसको इतना, मतलब ये जो मैंने लिया था 10 mm तो ये 10 mm ऊपर जा रहा है, तो मुझे जितना ऊपर नीचे करना हो इसमें कर सकता हूँ मैं, तो मुझे बस इतना ही करना है। मुझे एक और सर्कल लूँगा मैं, इसको सेलेक्ट करके सिटी सेंटर में आ गया। ये सेंटर में आने के बाद इसको हम डबल करेंगे और इस साइड में रखेंगे। इसको हम करेंगे कलर ब्लैक और इसमें हम एक और छोटा सा इसमें डब्बे लेंगे इतना बड़ा, इसमें वाइट करेंगे हम, नहीं ब्लैक करेंगे। इसमें ब्लैक करने के बाद इसमें अगर आपको डार्क ब्लैक करना है तो यहाँ से डबल क्लिक करके प्रेस कर सकते हैं। यही कलर रखना है तो यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। और फिर हम इसमें वाइट कलर करेंगे ऐसे। एक और लाइन लेंगे हम इसमें, इसको जूम करेंगे। फिर एक और छोटा सा डब्बी लेंगे हम इसमें ऐसे, एक और लेंगे। और जो नीचे बैठा हुआ है इसका डब्बी, उसको हम सेलेक्ट करिए Ctrl+V। और उसके बाद हम इस वाले डब्बे को, बीच वाले डब्बे को पकड़ेंगे यहाँ से, इसको हम रेंज बढ़ा देंगे, 2 है, पहले छोटा सा था वो अब इससे बड़ा हो गया इस तरह से। इसको मैं डबल क्लिक करके और थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, इतना नहीं ज़्यादा हो गया। शिफ्ट कंट्रोल के साथ एक और नीचे, मतलब ये 10 mm ऊपर गया था, ये 5 mm नीचे आ गया है। और उसके बाद मुझे एक और कलर करना है इसमें, तो मैं यहाँ से एक डब्बी लूँगा ऐसे इतनी बड़ी, Ctrl+Q F10 करेंगे और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे बराबर में आ गए। इसे हम करेंगे कलर पिंक, नहीं करेंगे रेड, देखता हूँ डार्क रेड करेंगे हम इसमें। आउटलाइन हटाऊंगा इसका और उसके बाद इसको मैंने कंट्रोल पेज डाउन किया, इसको नीचे चला जाएगा। और अगर पेज अप करते तो ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल डाउन करते तो नीचे चला जाएगा ये। और यहाँ पे मैं एक और डब्बी लूँगा इसका, प्लस पे किया, फिर प्लस पे यहाँ से लेके आएंगे जाएंगे Ctrl+Q F10। और यहाँ से हम इसको इस यहाँ पर रख लेंगे और ये डिलीट कर देंगे एक और, मतलब इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये डिलीट हो जाता है। तो हम इसमें कलर करेंगे, रेडी कलर करेंगे ये वाला रेड, इसको आउटलाइन हटा देंगे तो ऐसा लगा दोनों एक ही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और डब्बी लूँगा,
यहाँ पे एक और डब्बी लेंगे हम, ये वाला, और इसको कंट्रोल डाउन करेंगे हम। इसमें ब्लैक कलर करेंगे हम। ब्लैक कलर करने के बाद इसको हम छोटा कर लेंगे हल्का सा, शिफ्ट के साथ आर, हल्का सा दिखेगा ये। इसका आउटलाइन हम हटा देंगे और उसके बाद हमें ये ऊपर ग्रे कलर करना है। इसको हम प्लस करके टी करेंगे, टी ये हटा देंगे। इसको एक और डब्बे लेके हम ऊपर ले जाएंगे इसको, या फिर इस डब्बे को डिलीट, इसको हम यहाँ पे पावर क्लिक में कर देंगे। फिर नीचे वाले को भी पावर क्लिक में करेंगे ऐसे। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं इसको 10 mm नहीं, 9 से छोटा कर दूँगा। इसको भी नीचे करेंगे हम, इसके बराबर मैच है ऐसे। और ऊपर मैं ग्रे कलर करूँगा इसका। ग्रे करने के लिए यहाँ पे पहले इसका कलर में बराबर कर दूँ, ग्रे यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, डार्क ग्रे करूँगा। ये ब्लैक में चला जा रहा है, यहाँ से आ जाएगा टैग, और यहाँ से हम इसका नाम देंगे कंट्रोल एक्स वी सी। दोनों को सेलेक्ट करके सी करो, सेंटर में आ जाएगा ये। ये आ गया पी जींस करता हूँ। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको, छोटा सा कर दूँगा इसको। पहले खोलता हूँ मैं इसको, एप 10 से खुलेगा ये, और छोटा सा कंट्रोल आर, सीधा आर प्रेस करोगे, यहाँ से बोल्ड करूँगा मैं इसका। और इसमें लोगो लगाऊंगा, इसका कलर मैं करूंगा वाइट, ये भी वाइट जाएगा, और यहाँ से पकड़ के इसको वाइट कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स भी, तो ये लोगो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर किसी चीज़ का दिखाना चाहते हैं, पर्चा वर्चा, या फिर जीन्स, या फिर कोई भी शर्ट, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें पावर क्लिक में मैंने लोगो डाल दिया इसमें, और उसके बाद यहाँ पे ये कंट्रोल एक्स भी, एक डब्बी सेल लेंगे, डब्बी लेंगे, फ़ॉन्ट पहले लेते हैं हम इसका, फ़ॉन्ट ये फ़ोन लेंगे हम इसका, फ़ोन सही लग रहा। ये लेंगे हम, इसको खींच के इसको भी हूँ, इसमें वाइट कलर कर देंगे, वाइट अच्छा लग रहा है इसमें। ब्लैक कलर करते हैं बैकग्राउंड में इसके, ब्लैक डार्क ब्लैक करेंगे, कंट्रोल एक्स भी, F10, फिर यहाँ से ऐसे। ये टैग तैयार है, और इसका टिकली देखते हैं कैसा होगा। टिकली हम इसी को गोले के लेंगे, ये हो गया टिकली, ये हम वाइट पे रखेंगे इसको। आउटलाइन दिखाऊंगा मैं आपको, ये ऐसे आ जाएगा। ये कितने 65x65 करता हूँ मैं इसका साइज, 65 यहाँ पे दिख रही है। ये चीज़ दिखता बहुत बेकार लगता है यहाँ पे, क्योंकि टैग जब छपेगा तो यहाँ पे दिखेगा ये, तो बेकार लगा है। तो मैं इसका साइज़ छोटा कर दूंगा, नहीं तो ये अंदर का साइज़ छोटा कर दूंगा। अंदर का साइज़ छोटा करने पे टिकली का साइज छोटा रह जाता है, और
ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा टिकली, इसमें ज़्यादा छोटा भी टिकली नहीं होगा। तो इसका हम कंट्रोल एक्स भी करेंगे, तो ये यहाँ पे कंट्रोल जेड करने के बाद ये वहीं पे चला जाएगा। तो ये हमारा 65x65 का, इसको होल्ड लेंगे यहाँ से, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे यहाँ पे लेंगे और यहाँ से डिलीट। तो ये होता है ऐसे, कंट्रोल एक्स भी करेंगे यहाँ पे होल आ गया बिल्कुल परफेक्ट। जब जैसे ये यहाँ पे बैठेगा वैसे यहाँ पे भी बैठेगा। तो इसको मैं इसमें नाम दूंगा, इसको नाम को सिलेक्ट किया यहाँ पे प्रेस कर दे, इसमें मैं करूँगा ग्रे कलर, नाम के अंदर ग्रे करूँगा इसको। नब्बे परसेंट ग्रे है तो मैं यहाँ से 90% ग्रे लूँगा। इसको कर दूंगा रेड, अगर आपको टिकली ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप नीचे से यहाँ से काट भी सकते हो यूं लिए ऐसे, ये आ जाएगा आपका टिकली यहाँ तक। कंट्रोल जी सी टी, ये देखिए नीचे भी आ गया ये, या फिर इसको हम घुमा भी सकते हैं। बस इस तरह से ये आपका एक टैग तैयार, टैग हम दूसरा एक और टैग बनाएंगे वो भी सुपर सिंपल होगा। उसका भी साइज मैं उसको लंबा बनाऊंगा आज, उसको बनाऊंगा 60x150, 65 कर लेता मैं इसको, 65 इसका साइज मैं करता हूँ। mm में करूँगा 65x70। तो ये आसान बनाना है, यहाँ से एक गोला लेंगे हम इस तरह का और इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पे हम कलर करेंगे कलर ऑरेंज, ये आउटलाइन हटाएंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको हम पावर क्लिक में डाल देंगे ऐसे, और एक और डब्बी लेंगे हम यहाँ पे, एक डब्बी यहाँ से हम लेंगे, इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमने कॉपी किया है तो इसमें भी आएगा यहाँ से, इसका ये बॉक्स में रह रहा है तो हटा दिए। और हम एक गोला लेंगे, इसको सेलेक्ट करके सीटी करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। फिर एक और गोला लेंगे, ये हो जाएगा वाइट कलर का, इसमें वाइट कलर आ जाएगा, नहीं ये कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स भी, अब इसमें वाइट कलर करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा ऐसे, और वाइट नहीं करना था मुझे, ऑरेंज करना है इसमें, इसमें वाइट करना है। इसका आउटलाइन हटा दूँगा और इसको देखता हूँ डार्क करके, ये कलर, और मुझे ये हल्का सा ऐसे ऐसे दिखाएं, इसको सेव कर लेता हूँ मैं इसको। और ऊपर मुझे यही कलर करना है तो यहाँ से ये लेंगे ये ऐसे, और मुझे नीचे वाइट करना है तो ऐसे, पर मुझे इसमें वाइट करना पड़ेगा, इसको पावर क्लिक में डालना पड़ेगा मुझे, और ये कंट्रोल एक्स भी पावर क्लिक में अंदर जाके, अंदर जाने के बाद ऐसे हम इसका भी कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से कलर लिया और यहाँ डाल दिया।
इसको लोगो लगाएंगे, पहले इसका आउटलाइन हटा देंगे, ये आउटलाइन आ रहा है इसका। इसको हम करेंगे अंदर जाके, दो बार क्लिक करो कंट्रोल के साथ दबाने के बाद, जैसे ये है खाली अभी बाहर क्लिक किया, इसके बाद शिफ्ट दबा कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल के साथ दो बार क्लिक, कंट्रोल क्यू F10, और मुझे इसको दोनों को नीचे ला के, दोनों को नीचे लाने की जरूरत नहीं, पर कंट्रोल के साथ नीचे ये इसका आउटलाइन हटाऊंगा मैं ऐसे, और मैं यहाँ पे लोगो लगाऊंगा, तो इसका कलर मैं करूँगा ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये शिफ्ट के साथ F9 करना पड़ता है, उससे पहले आपको यहाँ पे जाके उसके बाद ये ऐसे करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये ऑप्शन खुल जाता है, शिफ्ट के साथ F9 करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ब्लैक कलर करूँगा मैं इसका, पी में भी करूँगा, ये दोनों में हो गए, ये रेड रेड करूँगा मैं इसको, नाम लूँगा यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल एक्स वही, इसमें ये वाइट है तो दिखेगा ही नहीं, ये हो गया यहाँ पे, जीन्स में इसमें डालूँगा, ये यहाँ पे आ गया, कलर करूँगा वाइट, इसको जीन्स सही से नहीं बैठ रहा है, लो ऐसा आ जाएगा ये, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये तो कुछ मैटर यहाँ पे लाके हम डाल सकते हैं, कंट्रोल कुछ भी हम डाल सकते हैं, ABCD या फिर कुछ भी इसमें, जैसे मैंने लिया ये लाइन बॉक्स सा लिया, इसको आउटलाइन हटा दिया मैंने, येलो कर दिया, पतला कर दिया, तो ये मैंने कर दिया रेड, रेड इसमें दिखेगा ही नहीं, वाइट, और इसमें कर दिया ऑरेंज, इसमें कर दिया ब्लैक, ये जैसे मैंने इसको दिया है, पहले हॉल देख लेते इसमें कहाँ जाएगा, प्लस CT नीचे गया, कंट्रोल एक्स भी, यहाँ पे हॉल जा रहे, तो हमें और नीचे कर लेना है, सही, तो हम इसको पावर क्लिक में डालेंगे सभी को सेलेक्ट करके, इसको हम ऐसे लिया, इसको हम ऐसे खींच देंगे, यह है, और उसके बाद ऐसे, ये थोड़ा अजीब सा हो गया, सोबर सिंपल से ही लग रहा है ऐसे, और यहाँ पे हम या फिर इसको हम ऊपर लिख सकते हैं इस पर, कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे मर्जी आप इसमें ऐसे बना सकते हो, ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही नाम ले रहा है ये, तो मैं इसको ये देखो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ मैटर या फिर साइज छोटा कर देंगे, कंट्रोल क्यों किया F10 ऊपर, और ऊपर कर लेंगे जिससे कि ये नाम यहाँ पे आ जाएगा, और जो मैटर मैंने ये नीचे आगे डब्बी यहाँ से लेंगे ऐसे आ जाएगा, कंट्रोल क्यों किया इसको, इसको भी हम अंदर कर लेंगे, ये हमारा दूसरा टैग तैयार है, जिसका साइज मैंने कर दिया 65x130, वैसे साइज अपने हिसाब से रखने आप, MM में कर दो या इंच में, उस हिसाब से काम होता है, मैं इसका टिकली पतला रखूँगा, इसका टिकली हो जाएगा 23x200, 23x200 यहाँ पे नीचे बेकार सा जाएगा, तो मैं इसको इतना कर दिया, और यहाँ से हॉल दूंगा मैं इसको 10 नीचे, हॉल नीचे करने के बाद इसको
इसमें हम कलर करेंगे, यही कलर हम कर देंगे इसमें, इसमें आधा ये कलर। कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू F10, इसमें नीचे कर देंगे, इसको कर देंगे वाइट, और इसको कर देंगे हम ये कलर, ईंटा के कलर है ये। और ये हम नाम इसमें डाल देंगे, यह हॉल से दूर रखना होता है क्योंकि यू वी हम देते हैं, या फिर कोई सा भी अगर का ये हॉल है, ये हॉल यहाँ से हॉल होगा, यहाँ पे डोरी डलेगा तो उसमें ये दिक्कत कर देगा, तो इसलिए हमें पहले देखना पड़ता है ये यहाँ से। ये भी बेकार लगेगा इसलिए मैं इसको हल्का सा ऊपर कर दिया, और ये ऊपर का मैं वाइट कर दिया। तो ये हमारा दो टैग तैयार है। कंट्रोल जी। ये हमारा टैग और टिकली के साथ। कंट्रोल जी पी F4, ये टैग बन जाता है।